नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल यूपी टेट 2019 के बारे में और बात करेंगे कुछ शिक्षा मित्र के कमेंट के बारे में, क्योंकि आप लोग में से कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं या कह लीजिए कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बड़े ही अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हम एक दो कमेंट का जवाब देंगे। लेकिन आज की जो इस वीडियो में खास बात है वो ये है कि हम यूपी टेट 2019 की अपडेट के साथ साथ आपको एक नई स्कीम के बारे में बताएंगे, जहां आप घर बैठे कम से कम पैसे में भी एक यूपी टेट की कोचिंग कर सकते हैं। बात कोचिंग की कहिए या गाइडेंस की कहिए, हम उसको प्रोवाइड कराएंगे आपको केवल 159 रुपीज़ में। लेकिन चलिए हम सारी अपडेट आपको बाद में देते हैं, पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा में से जुड़ी हुई और यूपी टेट से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दे सकें। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक काम जरूर कर दीजिएगा जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यूपी टेट 2019 की अपडेट के बारे में कहें तो उसकी आज विज्ञप्ति जारी हुई है। 31 अक्टूबर को ये सारी के आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। और इसमें जो चेंज हुआ है आपको बता देते हैं कि यूपी टेट 2019 में जो पिछली यूपी टेट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है कि इस बार आपको ज़्यादा फीस देनी होगी। 100 रुपये का शुल्क बढ़ गया है, पहले 500 था और दोनों पेपर के लिए 1000 था, इस बार 600 रुपये और 1200 रुपये रहेंगे प्राइमरी के लिए चाहे जूनियर के लिए, दोनों के लिए टेट की फ़ीस 500 की जगह 600 रुपये कर दी गई है। तो ये फीस तो बड़ी है और इसमें और कोई फेरबदल नहीं है। 20 तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, 21 तक फीस भरेंगे, 22 तक प्रिंटआउट निकालेंगे फाइनल, और उसके ठीक 10 दिन बाद आपको लगभग 12 दिसंबर पर आप होल टिकट डाउनलोड करोगे और टेस्ट की डेट है 22 दिसंबर। जी हाँ, 22 दिसंबर को यूपी टेट 2019 होने जा रहा है। पहले ही शायद 20 दिसंबर सुने थे, लेकिन दो दिन अब अंतराय है, 22 दिसंबर इसकी डेट फिक्स की गई है। 22 दिसंबर को यूपी टेट 2019 का टेस्ट होगा, पहली पारी और दूसरी पारी में, पहली पारी में प्राइमरी और दूसरी पारी में जूनियर। पहली पारी जो होगी वो 10 से 12:30 बजे तक होगी और दूसरी 2:30 से 5 बजे तक होगी। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के होंगे। और ख़ास बात और जो चेंज हुई है पहले से जो चेंज हुई है वो हम आपको एक और बता देते हैं कि इन 150 में से पास होने के लिए 90 तो चाहिए जनरल के लिए, 5% की छूट है SC ST के लिए और OBC के लिए कि उनको 85 नंबर चाहिए, लेकिन इनका कोई मायने नहीं रखता है अब, क्योंकि आपको पता ही है नियमावली में चेंज हो चुका है, भर्तियों में चेंज होने जा रहा है। अब जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसके मेरिट में उतने ही ज़्यादा अंक जुड़ेंगे। तो टेट में केवल ये मानता रखना, ये विचार रखना कि हमें केवल पास होना है ही काफ़ी नहीं है, अब आपको टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के विचार अपने मन में हर वक्त रखने होंगे, क्योंकि उसी के अनुसार आपके भविष्य में जब भी नौकरी के लिए मेरिट बनेगी तो उसके नंबर भी टेट मेरिट में जुड़ा करेंगे। तो टेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की आपको पूरी कोशिश करनी होगी। अब हम बात करें शिक्षा मित्र की कुछ एक दो कमेंट के बारे में। मैंने इस वीडियो में यूपी टेट 2019 के बारे में बताया है तो एक दो कमेंट तो शायद ऐसे भी आ जाएंगे, अरे आप तो यूपी टेट 19 की खबर दे रहे हैं, शिक्षा मित्रों की तो खबर दे ही नहीं रहे हैं, शिक्षा मित्रों को यूपी टेट से क्या मतलब, वो उनकी तो उम्र निकल गई, उनके तो दोनों चांस निकल गए, अब शिक्षा मित्र टेट दे के क्या करेगा। ये कमेंट किया था मेरे पिछले किसी एक वीडियो में जिसमें मैंने यूपी टेट के बारे में बताया था किसी महानुभाव ने, तो भाई साहब उनको बताएं कि अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपकी अगर ऐसी सोच है कि अब यूपी टेट से या किसी भी टेट से शिक्षा मित्रों का क्या संबंध है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम आज आपको इस वीडियो में क्लियरली कह देते हैं कि बिना यूपी टेट करे या बिना कोई टेट करे शिक्षा मित्रों का भविष्य अंधेरे में है। आज सच आप सुनना नहीं चाहते हो, झूठ आपको बर्दाश्त नहीं है, आप पता नहीं कह देंगे शिक्षा मित्र की ही वीडियो बनाइए, रोजाना शिक्षा मित्र रोजाना की खबर कहाँ से लाएं शिक्षा मित्रों की, भाई शिक्षा मित्रों की वीडियो रोजाना कहाँ चलाऊँ, क्या अजय प्रताप सिंह बन जाऊँ जो रोजाना कहूँ कि आपका जो है भविष्य उज्जवल होने वाला है, आप सब वेतन बहाली होने वाली है, अध्यापक बनने वाले हैं, कल की डेट बन जाएंगे, दिवाली से पहले बन जाएंगे, 4 दिन पहले बन जाएंगे, वो तो रोज़ नई अपडेट देते हैं और रोजाना नई बात होते हैं, या
डेली अपडेट देने की, मैंने जितेंद्र साय जी की रोजाना अपडेट आती हैं, उनके ऑडियो भी आते हैं, वो कुछ काम भी कर रहे हैं, तो आपके कमेंट आते हैं जितेंद्र साय की वीडियो में तो बताइए, जितेंद्र साय की कोई खबर में तो बताइए, हम वीडियो नहीं देखेंगे। जितेंद्र साय को आप सुनना नहीं चाहते, जितेंद्र साय की खबर देखना नहीं चाहते, अजय प्रताप सिंह झूठा है उसकी वीडियो डाल दूंगा या उनकी कोई खबर डाल दूंगा, तो सर आप भी बेवकूफ़ बना रहे हो उस इच्छा मित्रों को। मतलब कोई खबर देखना ही नहीं चाहते आप लोग, ना ही दिखाना चाहते, और कहाँ से खबर लाऊं? केवल सरकारी पोस्ट जो होती हैं, जो सरकार की तरफ से पहल होती है या सरकार की तरफ से कोई बयान आता है, वही आधिकारिक पोस्ट होती है, लेकिन वो कर कहाँ रही है? जब सरकार आपके लिए सोचेगी, करेगी, तो हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आसपास हो क्या रहा है इसकी जानकारी भी तो हमें रखनी चाहिए। लेकिन उन महानुभावों से ये पूछिए कि यूपी टेट अगर आप नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेंगे? उत्तराखंड में टेट करने वाले डायरेक्ट अध्यापक बनाए गए, तो अगर आगे कोई नई शिक्षा नीति आती है जिसमें चलो संविदा कर्मी नहीं रखे जाएंगे लेकिन टेंट रखे जाएंगे, टेंट भी रखे तब जाएंगे बाबूजी जब आप टेंट के साथ साथ टेट पास होंगे, तभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे नई शिक्षा नीति लागू होने पर। केवल नई शिक्षा नीति में संविदा को हटाने की बात नहीं करी है, उन्होंने RTE को पूरी तरह से लागू करने की बात कही है, जिसमें टेंट प्लस TET दोनों आता है। इसलिए शिक्षा मित्र ये ना सोचें मेरी उम्र निकल गई है, ये ना सोचें कि मैं अब टेट नहीं दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे जाके इस पर फ़र्क पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये भी नहीं कि जो टेट नहीं कर पाएंगे शिक्षा मित्र वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है उनके मानदेय में और टेट पास शिक्षा मित्र के मानदेय में अंतर आ जाए। जैसे कि आज की ही खबर है झारखंड को लेकर, झारखंड में नॉन टेट का वेतनमान अलग किया गया है, टेट पास शिक्षा मित्र का वेतनमान अलग किया गया है, तो फिर क्या फ़ायदा आप एक ही विद्यालय में रह के एक ही योग्यता रखते हुए दोनों को अलग अलग वेतन मिले या मानदेय मिले? तो ये दोनों स्थिति भी पैदा होंगी यदि आप टेट पास नहीं करोगे। तो फिलहाल UPTET 2019 का रजिस्ट्रेशन करिए सभी शिक्षा में, और उसमें पास होने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि इसका संबंध आगे ज़रूर आपसे है। एक ने कहा कि आप होमगार्ड की न्यूज़ दिखा रहे हैं, होमगार्ड की न्यूज़ दिखाने से हमें क्या फ़ायदा है? तो कुछ तो देखो वीडियो में। होमगार्ड की न्यूज़ इसलिए दिखाई क्योंकि आप संविदा कर्मी हैं और होमगार्ड भी संविदा कर्मी थी। जब सरकार केवल 670 रुपये बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट के अधीन उन्होंने होमगार्ड का मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम मानदेय बढ़ाएंगे तो हम पे बजट की कमी है, इसलिए हम 25,000 होमगार्ड की छटनी कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मुँह पर तमाचा है जो कहते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ने वाला है। नहीं बढ़ेगा, सरकार पे इतना पैसा नहीं है जो तुम्हारा अभी पैसा मानदेय बढ़ाते। जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा, चाहे अजय प्रताप सिंह कुछ बोलते रहे चाहे कोई कुछ बोलता रहे, बढ़ेगा मिलेगा अब तो सीधे, अब सीधे वेतन मान मिलेगा, मानदेय शब्द आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम आपसे एक और बात कहना चाहेंगे कि अगर आप 159 रुपीज़ में कोचिंग करना चाहते हैं, यानी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे UPTET से तैयारी से संबंधित, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 159 रुपीज़ में मिलेंगी, वो मिलेंगे आपको नीचे हमारे सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में ज्वाइन का बटन है, अगर आप उसको दबाते हैं तो आपको 159 रुपीज़ हमें पे करने होंगे एक महीने के लिए, जिसमें कुछ पार्ट गूगल रख लेता है, यूट्यूब वाले रख लेते हैं, तो वो आपको फीस पे करेंगे, तो आप उसमें एक स्पेशल कैटेगरी में हमारे सब्सक्राइबर आएंगे, जिनको हम अगर कोई वीडियो भेजेंगे तो वो केवल उन्हीं लोगों को जाएगी जिन्होंने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, जिन्होंने वो फीस पे करी होगी। तो हम UPTET से संबंधित वीडियो, इसमें मैथ के लेक्चर, इंग्लिश के लेक्चर, साइकोलॉजी के लेक्चर, संस्कृत के, अगर हमें टीचर प्रोवाइड हुआ तो हम टीचर प्रोवाइड करके आपको दे सकते हैं। बस आप अगर उसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं और 10, 20, 30, 40 जितने भी हो जाते हैं तो हम टीचर भी हायर करेंगे, 2 महीने की क्लासेस हैं, यानी कि आप कुल मिला के 300 रुपये में, 160 रुपये की बात है, अगर आप 2 महीने लेंगे तो 320 रुपये करीब आपके खर्च होंगे, 320 रुपये में 2 महीने में अगर हम आपको 10, 20, 30 वीडियो भी प्रोवाइड करा देते हैं तो शायद उससे आपके 10-20 नंबर बढ़ जाए। तो 10-20 नंबर के लिए आप 300 रुपये खर्च करें तो इसमें कोई दोराय नहीं है, और लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे। चलिए आपको इस बारे में मैं और बता दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ज्वाइन बटन दबा कर आप अगर 159 का सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या मिलेगा। आपको अलग कैटेगरी मिलेगी, आपका नाम मेरी वीडियो के लास्ट में या पहले दे सकते हैं, आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा मेरा जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, और साथ ही आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि आप कहें कि हम क्यों 159 रुपीज़ पे करें। तो 2014 को मैंने टेट दिया, 2014 में टेट दिया प्राइमरी जूनियर का, पास हुआ। 2015 में दिया, पास हुआ। 16 में
नहीं दिया, 17 में दिया, 17 में भी पास हुआ, 18 का एक दिया, और 2019 में जूनियर का दिया सी टेट, वो भी पास हुआ। लगभग 6-7 सर्टिफिकेट मुल्क प्राइमरी के पढ़े हैं टेट के, और 2-3 जूनियर के पढ़े हैं, सी टेट के भी 2-3 सर्टिफिकेट हैं। तो इतना मेरा एक्सपीरियंस है टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपीरियंस से कुछ आप भी सीख सकें या मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, बस उसके लिए मुझे स्पेशल कैटेगरी बनाने के लिए कि ये सभी के पास नहीं जाके सिर्फ आपके पास जाएगी, जिनको मतलब है। बेमतलब की वीडियो जो कहने वाले हैं वो इसको सब्सक्राइब नहीं करें। जिनको टेट की तैयारी करनी है, जिनको टेट में पास होना है, वो 159 रुपये पे करके ज्वाइन बटन को क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उनको ही केवल उनको ही यूपी टेट की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो टेट को नज़रअंदाज करना छोड़िए, टेट का फॉर्म भरिए, उसमें पास होने की कोशिश करिए, जितनी मदद हमसे होगी हम करेंगे। आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे स्पेशल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।